मीन मीन निकल गया, मीन कितना है 2.8। अब हमें इसमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको रीअरेंज करें। तो रीअरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए सबसे पहले जीरो लिख देंगे, जीरो, फिर देख लीजिए वन, फिर देख लीजिए थ्री, टू है टू भी लिख दीजिए, फिर थ्री है, देखिए थ्री, थ्री जो है फोर टाइम्स है, तो थ्री 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 थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद फोर है, फोर भी क्या है टू टाइम्स है, तो फोर फोर लिख दीजिए, फोर फोर, फिर फाइव, फाइव भी वन टाइम्स है, तो फाइव लिख दीजिए। अब कितने जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नंबर ऑफ डाटा इवन है, तो हम क्या करें, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टू एथ प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ डाटा अपॉन टू, टेन बाई टू एथ प्लस टेन बाई टू प्लस वन एथ अपॉन टू, तो अब कितना हो जाएगा, टेन बाई टू फिफ्थ प्लस टेन बाई टू फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन टू, तो फिफ्थ डाटा कितना है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, और सिक्स भी थ्री है, तो थ्री प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, मीडियन हो गया थ्री। अब मोड, मोड तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, क्या कहते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डाटा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन अकर कर रहा है, थ्री, तो इज इक्वल टू मोड हो गया थ्री। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लगा लें हम लोग, ठीक है। ये दिया है, इन ए मैथ्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, ये फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो अब इसके बाद सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इस सिस्टम में अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो उससे जो है बाकी आंसर निकालने में भी फायदा होगा, और मीन तो निकल ही आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए इसमें 39 मिनिमम है, 39, तो 39, फिर 40 है, तो देखिए 40, वन 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 टू टाइम्स है 40, फिर 41 ये है, तो देख लीजिए कितनी बार है 41, वन टाइम्स है, तो 41। अब उसके बाद देखिए 42, वन टाइम्स है, ठीक है ना, तो 42 लिख दीजिए, फिर 42 के बाद देखिए कौन है 46, 46 है, तो 46 लिख दीजिए, फिर 46 के बाद देखिए, देखिए यहां 42 टाइम्स था हम लोगों ने, ये है और ये है, हमने एक ही बार लिखा है, तो यहां पे प्लीज एक और बढ़ा लीजिए 40, 46 के बाद देखिए 46 कौन मिल रहा है, 42 है, 40 है, 98, 48, 48 मिल रहा है, तो 48 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 52 तो है ही है, 52 टू टाइम्स हो गया, 52 थ्री टाइम्स हो गया, 52 से कम नहीं है, तो इसलिए 52 थ्री टाइम्स है, 52 ठीक है। अब इसके बाद देखिए 52 के बाद फिर क्या मिल रहा है, 54 यहां पे लिखा हुआ है, 54 ही होगा, ठीक है, 54 हो गया। तो अब इसके बाद जो है 54 के बाद देखिए फिर 60,
ये मिला 60, 60 से कम कोई, 60 से कम कोई, 60 से कम नहीं, 60 है। फिर इसके बाद देखिए 60 से ऊपर कौन है, 62, तो 62 लिख लेंगे। फिर 62 के बाद देखिए अब कौन नंबर आ रहा है, 98, 96 है, फिर 98 है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 स्टूडेंट्स का है, 15 स्टूडेंट्स का आ गया। अब यहां से आपको ये तो पता चल गया कि मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू ये ऑड नंबर ऑफ डाटा है तो n प्लस 1/2 होगा, और n कितना है 15 है, 15 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8th डाटा। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन देखिए 8th डाटा कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 52 आ गया। और मोड भी आप देख रहे हैं 3 times सिर्फ यही है, तो मोड कितना हो जाएगा 52, मोस्ट अकरिंग डाटा है तो 52। अब मीडियन के लिए इन सब को सबसे क्या करें, तो मीन के लिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n/n। अब इस सब को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऐड करने के लिए लिख दीजिए 39 + 40 + 41 + 42 + 46 + 48 + 52 3 times है, प्लस 52, 52, 52 + 54 + 60 + 62 + 96 + 98/15। इसको जब ऐड करेंगे तब इसका सम आप क्या कहते हैं, ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसका सम जो है वो कितना आ रहा है, उसके सम के आधार पर ही आप लिख देंगे। तो इसका सम जो है लगभग आ रहा होगा, आ रहा है 8, 822 / 15। हमने इसको कैलकुलेटर पे ऐड किया है, आप लोग क्या कहते हैं ओरली ऐड करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब देखिए तो 3, 2 + 6 और बचेगा 2, 3, 7 + 21 हाँ 3, 2 + 6 फिर बचेगा 2, 3, 7 + 21 फिर 1, 3, 4 / 5। अब 5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 5, 5 + 25 अच्छा 2, 4, 5, 4 + 20 फिर 4, 5, 8 ये हो गया इसका मीन, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कहते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो मैंने पूरा स्टैटिस्टिक पढ़ा दिया है, कल से अगले टर्न से हम आपको कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे, या 2 या 3 चीजें हैं उसमें, बस ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको आप क्या कहते हैं हमसे पूछ सकते हैं, फोन कर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम वैसे भी है तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।